बहराइच की समाजवादी पार्टी कार्यालय में पूर्व रक्षा मंत्री व उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के आकस्मिक निधन को लेकर जहां पूरे देश प्रदेश में समाजवादी पार्टी परिवार में शोक की लहर है, तो वहीं इसको लेकर 3 दिन का राष्ट्रीय शोक दिवस भी घोषित कर दिया गया है। बहराइच समाजवादी पार्टी कार्यालय में स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के चित्र पर माल्यार्पण कर उनको श्रद्धांजलि दी गई और मौन व्रत रखा गया। बहराइच से ब्यूरो चीफ कुतुब अंसारी की रिपोर्ट, दैनिक भास्कर। देखिए, एक बहुत दुखद गीत है जिसको मैं आपके बीच रखना चाहता हूँ। ना चिट्ठी ना संदेश, ना जाने वो कौन सा देश जहाँ परम आदरणीय नेताजी आप चले जाए, और उनके जैसा नेता होना, हर दिल अजीज होना, सबको चाहने वाला, नौजवान कहता है वो मेरे नेता, हिंदू मुसलमान कहता है मेरा नेता, मजदूर कहता है वो मेरे नेता, विद्यार्थी कहता है वो मेरे नेता, और पढ़े लिखे विद्वान, अखबार, मीडिया, सब लोग कहते हैं वो मेरे नेता। तो हमारा नेता ऐसा हर दिल अजीज था, जो आज है तो बीच में नहीं, लेकिन कितने लोग रोज दुआएं करते थे, मस्जिद में दुआ हो रही है और मंदिर में पाठ हो रहा है और दुआ हो रही है, और नेताजी हम लोगों को चुप्पे छोड़ के चले गए। नेताजी माननीय मुलायम सिंह यादव जी आज हम सबके बीच नहीं है, एक लंबे राजनीतिक युगांत है, और नेताजी अन्याय, अत्याचार, दलित, पिछड़े, वंचित समाज के लिए, सामाजिक न्याय के लिए जीवन भर संघर्ष करते रहे, हम लोगों के बीच में नहीं है। आज पूरे देश के साथ उत्तर प्रदेश और बहराइच के लोग उनके न रहने पर बहुत दुखी हैं, और हम लोगों ने कार्यालय में उनको एक श्रद्धांजलि सभा दी है, किया है उनके न रहने पर। माननीय बाबूजी हैं, उनके साथ में रहे हैं, बाकी बाबूजी बताएंगे।